यूपी के प्रयागराज में लाचार व्यवस्था और लापरवाही का फायदा उठाकर शातिर चोरों ने यूनियन बैंक का एटीएम काटकर 16,61,000 रुपए उड़ा दिए। देर रात चोरों ने गैस कटर से एटीएम का कैश बॉक्स काटा, लेकिन इसकी किसी को भी भनक नहीं लगी। घटना से इलाके में खलबली मच गई है। एडीजी, एसएसपी समेत कई पुलिस अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। ये यूनियन बैंक का एटीएम है, ठीक ठीक, में आज की रात में घटना की गई है और इसका जो कैश चेस्ट है नीचे से काट करके चोरों के द्वारा मिलाया गया। सुबह ये सूचना 8:30 बजे आई थी कि इस तरह से यहाँ घटना हुई है। एक्सपर्ट लोग हैं और जो जिन एजेंसी के द्वारा इसमें पैसे डाले गए हैं उन लोगों को बुला कर पूछताछ भी की गई है और FIR दर्ज की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई कर रही है। कितने की चोरी? ये अभी तक का जो ब्यौरा है उसके अनुसार 16,00,000 रुपए बताया गया है, बाकी अभी और सारे मिला बैंक से करा लिए गए हैं। सीसीटीवी इसके अंदर दो लगी हुई थी लेकिन उससे उन्होंने तोड़ा है।